जंगल साफ कर दिया 1000 बीघा पे, कलेक्टर ने छापा मारा पुलिस के साथ फॉरेस्ट के साथ, और लोकल लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गोफन लेके भगाया जा रहा है। और जो खूटगढ़ है, मगरी है, बोरकावेला है और चिकलाड़ है, उसकी जमीन पर लगातार लोकल लोगों के साथ में स्ट्रगल कौन करा रहा है? वो करा रहे हैं बीजेपी के लोग, ऐसा वहां के रिकॉर्ड में आ चुका है और हम रिपोर्ट सीएम को भेज चुके हैं। लोग किसी का प्रतिकार करें और वहां पे अवैध रूप से जंगल खत्म कर दें और उसमें झोपड़े बना लें और लगातार दादागिरी करते रहें, तो लोकल लोग प्रतिकार नहीं करें? जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए जनजातियां जानी जाती हैं, ये चरित्र कौन खराब कर रहा है? ये बाहर के लोगों को ला के सीता माता के जंगल के आसपास कौन कब्जे करा रहा है? ये प्रश्न जब आ गया तो मुझे लगता है कि बौखलाहट में आकर इस तरह का बात करिए। जो धमकी वाली बात है उसमें भी आवाज आपके होने की बात की जा रही है। गांव में जब कोई जंगल साफ कर देगा, घर जलाने के लिए आएगा, प्रतिकार नहीं करेगा कोई? गांव की भाषा है, कोई सामने आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको यही तो कहेंगे, यहां से भगाओ उसको। ये जब अवैध कब्जा कर रहा है, लोगों के उस पे आ रहा है, लोगों के गेट तक आ गया, तो ये नहीं कहेंगे? तो ये सारी बातें आने के बाद आप ये देखिए, कलेक्टर प्रतापगढ़, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रतापगढ़, और जो रिपोर्टें गई हैं उन रिपोर्टों की तलाश कीजिए, उसमें देखेंगे आप। तो ये सारी सारी जो चीजें हैं वे एक बरगलाने वाली, दादागिरी करने वाली और जंगल पर कब्जा करने वाली है, जंगल साफ करने वाली है। पर्यावरण की रक्षा के लिए जनजातियां जानी जाती है। भगवान बिरसा मुंडा जी का आंदोलन है, जनजातियों का बहुत प्रतीक है, बड़ा स्वाभिमान, अस्मिता और विकास अस्तित्व के लिए, वो है जल जंगल जमीन की रक्षा। ये कर रहे हैं क्या? ये तो खत्म कर रहे हैं। किसका एजेंडा चला रहे हैं? क्यों दादागिरी कर रहे हैं? तो ये सारी जो बातें जब सामने आ रही है तो ये बौखलाहट में ये बकवास कर रहे हैं। टीएडी मंत्री पर भी आरोप लगाया है कि उनके होते हुए वहां पर कोक के बच्चों का व्यापार हो रहा है। देखिए, मंत्री जी के बारे में कुछ कहा था, मंत्री जी से एक बार पूछेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन ये पूरा एक भ्रमजाल है। ये जो बीटीपी था, फिर पता नहीं बीएपी हुआ, आगे पता नहीं कोई बीटीसी हो रहा है, रोज एक नई पार्टी बनती है, कभी तो ये राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार करते हैं, कभी राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से जाते हैं, कभी कहते हैं कि हम हमारी गाड़ी की चाबी छीन ली है, कभी कहते हैं हम आदिवासियों के लिए करते हैं, जब आदिवासियों के लिए कहते हैं तो फिर कहते हैं आदिवासी बेटी जब राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ी हुई तो उसको वोट नहीं दिया। ये बरगलाने वाला है। और अभी अभी आया ये बिलों के, जो आरक्षण मिलना चाहिए उस आरक्षण के विरोध में ये खड़े हुए। ये तो केवल एक ही बात करें, द कैथोलिक चर्च ऑफ रांची, जो कहता है कि आदिवासी के लिए अलग धर्म कोड चाहिए, तो ये तो चर्च का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं ऐसा लगता है। 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा वो आके फिर से सड़कों को जाम करेंगे। अब जो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? उनके पास कुछ है नहीं, विकास का काम वो कर नहीं सकते। अब महत्वपूर्ण बात ये भी है कि डूंगरपुर में जो अराजक तत्व खड़े कर दिए हैं, पत्थरबाज हैं, वो किसके पैदा किए हुए? अर्थुना में उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद वहीं से लड़के निकले और सीधे रोड पर आने के बाद लूटपाट शुरू कर दी। और ये कहते थे कि हम आठवीं पास और पांचवीं पास लोगों को नौकरी देंगे, तो ये क्या पत्थरबाज कराने की नौकरी दे दी है क्या इन्होंने? ये सारी जो चीजें चल रही हैं आप समझिए, पूरा एक भ्रमजाल। कभी ये कहते हैं कि आदिवासी के ऊपर आईपीसी लागू नहीं होती और काफी डूरी का कांड कर देते हैं, 7,500 युवाओं को फंसा देते हैं। ये सारे का सारा जो नकारात्मक भाव है वो है। एक बड़ी संकेत आ रहा है, आप इस बात को भी समझिए, सबके सामने लाइए। डूंगरपुर में जो वेल्थ क्रिएटर था, वहां इंडस्ट्री चलती थी, छोटा मोटा लोगों को रोजगार देते थे जो उद्योगपति, वे सारे के सारे वहां से पलायन कर गए और लगभग 350 वहां से यूनिट जो है पलायन कर गई, नया कोई आ नहीं रहा है। ये समस्या पैदा कर रहे हैं, ये बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं, बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं और केवल अलगाव और चर्च की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं ऐसा लगता है। उपचुनाव होने वाले गठबंधन की बात आ रही है सामने, प्रभारी जी ने उनको कहा है कि भाई गठबंधन के लिए 2 दिन पहले कहते अच्छे हैं रोज साहब, 2 दिन बाद कहते खराब है। देखिए, इस बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय मदन राठौर जी का बयान आ गया है कि कोई भी ऐसा अलगाववादी अराष्ट्रीय तत्वों के साथ में समझौता नहीं होगा। ये आपके ध्यान में पहले से आ चुका है, इसमें मुझे अलग से कुछ नहीं कहना।